हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं खीर बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 लीटर के करीब करीब दूध, जिसको बॉयल करने के लिए रख दिया था मैंने, और ये अब देखिए अच्छी तरीके से बॉयल होने लगा है। तो इसको बीच बीच में हमें चलाना है, चलाना इन द सेंस कि थोड़ा गाढ़ा करना है दूध को। तो इस तरीके से मैंने कुछ कुछ देर में चलाया भी है, और ये अब अच्छी तरीके से दूध जो है बॉयल हो चुका है, खौल चुका है। तो चूंकि मेरा दूध खौल चुका है, तो अब मैं इसमें 100 से 150 ग्राम के करीब करीब चावल डालूंगी। चावल मैंने धो के रख लिया था, और इसको अच्छी तरीके से चला देंगे। गैस का हीट तेज नहीं होना चाहिए, सिम से मीडियम के बीच में ही रहना चाहिए। बीच बीच में चलाते रहें। और यहां देखिए, मैंने केसर के कुछ दाने दूध में मिला के एक अलग कटोरी में रख दिया है। यहाँ अब ड्राई फ्रूट्स को कट करके मैंने रखा था, तो सबसे पहले डाल रही हूँ छुहाड़ा। काजू, ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है। गड़ी, बारीक कटे हुए काजू, और छुआड़ा का भी छोटा 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 टुकड़ा करके ही डालना है। तो मैं बोल रही थी, ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है वो आप पे डिपेंड करती है कि आपको कितना चाहिए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ देखिए, मैंने चीनी डाल दिया है। अब खीर में जो मिठास है, कितना मीठा रखना है खीर को, वो फिर से एक बार आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, तो उस हिसाब से आप चीनी डालें। यहाँ देखिए, लगभग अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है दूध हमारा। चावल भी हल्का पक चुका है, छुआड़ा भी सॉफ्ट हो चुका है, बाकी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे सब अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ केसर, जो मैंने दूध में भिगा के पहले से ही रख रखा था, तो उसको भी मैंने डाल दिया। और पहले से ही हमारे दूध में खौलने के कारण एक अच्छा सा रंग उभर के आ गया था, और केसर डालने के बाद वो रंग और निखर के आया है। और ये देखिए, दूध भी अब और गाढ़ा होते जा रहा है। तो सबसे लास्ट में हमें डालना है किशमिश। किशमिश डालने के बाद फिर से मैं अच्छी तरीके से चला दूंगी। और खीर बनाने का सबसे मेन है कि आपका जो गैस का हीट है वो एक्यूरेट रहना चाहिए, ना आपको कम करना है ना आपको बढ़ाना है। जिस हीट पे आपने शुरू किया था बनाना, उसी हीट पे बनाते रहे दूध बॉयल होने के बाद। और ये देखिए, हमारी खीर लगभग रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें बस एक लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है, इलायची। 5 से 6 इलायची अच्छी तरीके से क्रश कर लें, उसके बाद डाल दें। और अच्छी तरीके से चला दूंगी। और मैंने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है। गैस बंद करके मैं कवर कर दूंगी, और जब ये खीर ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। मैंने फ्रिज में रख दिया था खीर, और अब निकाल लूंगी। और ये देखिए, हमारा खीर बनके तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।